नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो जो अंडर 19 ट्राई सीरीज चल रहा है बांग्लादेश अंडर 19, इंग्लैंड अंडर 19 और इंडिया अंडर 19 के बीच, तो आज उसे ट्राई सीरीज में सेकंड मैच है बांग्लादेश अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19 के बीच। और आपको तो फर्स्ट मैच इंग्लैंड वर्सेज इंडिया अंडर 19 के बीच में खेला गया था, जो कि इंडिया अंडर 19 ने विन किया था फर्स्ट मैच और इंग्लैंड अंडर 19 हार गई थी। तो बात करेंगे इंग्लैंड का सेकंड मैच है, तो बात करेंगे इंग्लैंड के पिछले प्लेइंग 11 और पिछले मैच में जो जिन प्लेयर में थोड़ा बहुत परफॉर्म किया था उन प्लेयर के परफॉर्मेंस की। और बांग्लादेश अंडर 19 का फर्स्ट मैच है इसलिए इनका मैं स्क्वाड दिखा दूंगा आप लोगों को। तो उस स्क्वाड और पिछला प्लेइंग 11 इंग्लैंड अंडर 19 का दिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम 11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है आप लोगों को बताइए। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको टच करना होता है, उसके ऊपर टच कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश के स्क्वाड की। तो बांग्लादेश अंडर 19 का स्क्वाड आप देख सकते हैं, प्रांतिक नाविल, फिर तंजीत हसन, उसके बाद हरिदोई, अकबर अली, महमदुल हसन जॉय, परवेज हुसैन इमान, उसके बाद शहादत हुसैन, शमीम हुसैन, राकिबुल हसन, ऋषभ हुसैन, उसके बाद चौधरी मृत्युंजय चौधरी, अभिषेक दास, तंजिम हसन साकिब, उसके बाद शमीम अनमोल और शरीफुल इस्लाम। तो ये आपको तो बांग्लादेश अंडर 19 का पूरा फुल स्क्वाड। और इसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड का जो पिछला इंग्लैंड अंडर 19 का जो पिछला प्लेइंग 11 था उसकी सबसे पहले। तो आप देखिए इनका जो पिछला प्लेइंग 11 था, डैन मॉन्सले, टॉम क्लार्क, जैक हाइनेस, लुइस गोल्ड्स बोर्थी, जॉर्ज हिल, जॉर्ज बल्डरसन, फाइनले विन, कैसे अल्डरडिंग्स, ब्लैक कुलेन, उसके बाद कादरी, जेम्स टेलर। तो ये आपको बता दो इंग्लैंड अंडर 19 का पिछला प्लेइंग 11 है और इसमें शायद एक आध चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि वो पिछला मैच हार गई अपने इंग्लैंड अंडर 19, तो इसमें ज़रूर एक आध चेंजेस जरूर करना चाहेंगे इंग्लैंड अंडर 19 की टीम। और इसका जिन बैट्समैन ने पिछले मैच में थोड़ा बहुत स्कोर किया था आप देख सकते हैं, गोल्ड्सवर्थी ने बनाए थे 58/58, टॉम क्लार्क ने बनाए थे 29/29, जैक हाइनेस ने बनाए थे 26/26, जॉर्ज हिल ने बनाए थे 24/24। सबसे ज़्यादा आपको तो लुइस गोल्ड्सवर्थी ने बनाए थे सबसे ज़्यादा रन, 58/58 रन बनाए थे। इनसे ज़्यादा किसी ने भी रन नहीं बनाए। और जिन बॉलर ने विकेट लिया था पिछले मैच में, जेम्स टेलर ने लिए थे 1 विकेट, ब्लैक कोलन ने लिए थे 1 विकेट, इसके बाद कादरी ने लिए थे 1 विकेट और अल्ड्रीज ने लिए थे 1 विकेट। तो ये थे इनके आपको तो अल्ड्रीज ने 1 विकेट लेते, ये थे इनके बॉलर के परफॉर्मेंस। चारों बॉलर को विकेट मिला था, एक एक विकेट मिला था चारों बॉलर को। तो इन देख सकते हो पिछले मैच में जिन प्लेयर ने परफॉर्म किया इनमें से जो प्लेयर अपने टीम में रखना चाह रहे हो रख सकते हो, और जिन प्लेयर को ड्रॉप करना चाह रहे हो कर सकते हो जिन प्लेयरों ने परफॉर्म किया उन प्लेयरों में से। तो चलिए अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो ड्रीम इलेवन टीम में हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर की। तो आपको तो विकेट कीपर में आपका जो ऑप्शन रहने वाले तीन ऑप्शन आप देख सकते हैं, अकबर अली, जे कॉक्स और बीन का। आपको तो दो बीन पिछले मैच में खेले थे, आप इनको ले सकते हो। फाइनली बीन आपको आप देख सकते हो 9% लोगों ने इनको लिया, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पिछले मैच में खेले थे और इस मैच में भी शायद खेलेंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हो मैंने अकबर अली को सेलेक्ट कर रखा अपनी टीम के लिए। आप देख सकते हो अकबर अली जो कि 84% लोगों ने ले रखा, वही बीन की बात करें तो आप देख सकते हो 9% लोगों ने ले रखा। अकबर अली बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आप इनको अपनी टीम में रखेंगे तो अच्छा ही स्कोर करके देंगे। तो देख लीजिएगा इनको लेना या फिर आप बीन के साथ जाना चाहते हो, अगर मेरे से सेटिस्फाई तो अकबर अली को ही लीजिएगा, अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो बीन के साथ भी जा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बैट्समैन की, तो मैं अब देख सकते हैं हसन जॉय को मैंने लिया, टॉम क्लार्क को लिया, इसके बाद तंजीत हसन को मैंने लिया, तीन बैट्समैन मैंने अपनी टीम में रखे। इसके अलावा जे हाइनस को अपने आप अपनी टीम में रख सकते हो, जे हाइनस पिछले मैच में खेले इनको अपनी टीम में रख सकते हो। इसके अलावा नॉरस को रख सकते हो, इसके अलावा हरिदोई को रख सकते हो, ये आपका ऑप्शन है, परवेज आपका ऑप्शन है। तो कुछ ऑप्शन आपका और बचता है, उनमें से भी ट्राई कर सकते हो, बांग्लादेश के ऑप्शन बचते हैं। और इंग्लैंड का आपको बता दूं, इसके अलावा इंग्लैंड के चार्ल्स ये पिछले मैच में नहीं खेलते इनको ना ले तो ही अच्छा होगा, इविनसन भी पिछले मैच में नहीं खेलते तो इनको ना ले तो ही अच्छा होगा। तो दो ही ऑप्शन आपका बचते हैं, आप देख सकते हो टॉम क्लार्क और हाइनेस का, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो फिर दोनों को ले सकते हो।
और बांग्लादेश के तीन चार ऑप्शन, आप बांग्लादेश के जो अदर ऑप्शन है उनको भी ट्राई कर सकते हो, या फिर जो बैट्स दो बैट्समैन मैंने लिए इन दोनों के साथ भी जा सकते हो। अगर आप मेरे से सेटिस्फाई, तो जो तीन मैंने लिए इंग्लैंड और बांग्लादेश दोनों बैट्समैन, दोनों टीमों को मिला के जो बैट्समैन मैंने लिए उन्हीं बैट्समैन के साथ जा सकते हो। अगर आप मेरे से सेटिस्फाई तो बेशक चेंज कर सकते हो, अगर मेरे से सेटिस्फाई तो इन तीनों के साथ ही जाइएगा, हसन जॉय, टॉम क्लार्क और तंजीत हसन। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो चार ऑलराउंडर मैंने अपनी टीम में रखे, ब्लेंडरसन को रखा, गोल्ड्सवर्थी को रखा, समीम हुसैन को रखा और मोसले को रखा। इसके अलावा आपका जो ऑप्शन, आप जी हिल को ले सकते हो, एकमात्र ऑप्शन आपका बचता है शादत हुसैन, शायद नहीं खेले इस मैच में तो इनको ना ले तो ही अच्छा होगा, और एकमात्र ऑप्शन जी हिल का बचता है तो इनके साथ भी जा सकते हो, या फिर आप मेरे से सेटिस्फाई तो ब्लेंडरसन और गोल्ड्सवर्थी, समीम हुसैन और डी मोसले के साथ जाइएगा। अगर मेरे से सेटिस्फाई नहीं तो बेशक चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की, तो मैंने अलरीज को लिया है अपनी टीम में, तजमीन हसन को लिया है, इसके अलावा कादरी को लिया है। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन बचता है, ऑप्शन में आपको बता दूं, कुलेन को आप ले सकते हो, पिछले मैच में खेले हैं ये। इसका जे टेलर को ले सकते हो, ये भी पिछले मैच में खेले। और आपको बता दूं ऋषभ हुसैन शायद इस मैच में खेल सकते, तो ऋषभ हुसैन को आप अपनी टीम में रख सकते हो। आप देखते हो 10% लोगों ने इनको लिया, तो अगर आप इनको लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वहीं चौधरी के भी खेलने के चांसेस है, और इनको भी अपनी टीम में रख सकते हो। सॉरीफुल भी खेल सकते हैं, तो कुछ ऑप्शन आपका जरूर बचता है, आप उनमें से भी ट्राई कर सकते हो, या फिर जो तीन बॉलर मैंने सेलेक्ट किया आप इन तीनों के साथ भी जा सकते हो। जो तीन बॉलर मैंने सेलेक्ट किया वो अलरीज है, तजमीन हसन है और इसके अलावा कादरी है। इसके बाद बात करते हैं टीम प्रीव्यू, कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मोसले को कैप्टन बनाया, हसन जॉय को मैंने वाइस कैप्टन बनाया। मोसले को मैंने इसलिए कैप्टन बनाया क्योंकि ओपनिंग करने आते और आपको बता दूँ बॉलिंग भी कराते, इसलिए मैंने इनको कैप्टन बनाया। ओपनिंग भी करते अगर वहाँ पे कुछ स्कोर कर देते और बॉलिंग में एक आध विकेट अगर ले ले तो बहुत अच्छे कैप्टन साबित हो सकते, इसलिए मैंने इनको कैप्टन बनाया। इसके अलावा वाइस कैप्टन हसन जॉय को बनाया, ये भी शायद ओपनिंग करने आएंगे, शायद कन्फर्म नहीं है, अगर ओपनिंग करने आएंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे आपको बता दूँ। और इसके अलावा जो बाकी का ऑप्शन है, आप टॉम क्लार्क को बना सकते हो, ब्लेंडरसन को बना सकते हो, गोल्ड्सवर्थी को बना सकते हो, अकबर अली को बना सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास बचते हैं, आप उनमें से भी ट्राई कर सकते हो, या फिर जो दो ऑप्शन मैंने दिए इन दोनों के साथ भी जा सकते हो, मोसले और हसन जॉय। इसके अलावा लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए ड्रीम11 टीम बनाने में, हमारी भी वीडियो थोड़ा प्रमोट हो जाएगा। एंड आई होप इतनी रिक्वेस्ट करता आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।